आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट परवल की मिठाई, दिवाली स्पेशल मिठाई। इस मिठाई को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, कम टाइम में बनकर ये मिठाई तैयार हो जाता है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जैसा आप लोगों को मिठाई दिख रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो इस दिवाली आप लोग एक बार इस परवल की मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार आप बनाकर खाएंगे तो बार बार इसे बनाएंगे, क्योंकि ये घर की सामग्री से बन जाता है और कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है और खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इससे पहले मैं दिवाली स्पेशल सूरन की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। जो जो लोग नहीं देखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जाकर आप इस सब्ज़ी की रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि ये दिवाली स्पेशल परवल की मिठाई कैसे बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। परवल की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं ली हूँ 250 ग्राम परवल। मैं परवल को अच्छे से धो ली हूँ और इसके छिलके हटा दूँगी। इसके छिलके को जैसे आलू को छिलके को हटाते हैं ना, जस्ट लाइक वैसे ही इसके छिलके को हटा देना है, ताकि ऊपर का जो इसका हार्ड वाला पार्ट है वो अलग हो जाए। देखिए इस तरीके से सारे परवल को छिल लेंगे और फिर बीच से एक छीरा लगाएंगे परवल में और अंदर वाले पार्ट को निकाल देंगे। पूरा परवल को अलग अलग नहीं करना है, सिर्फ मतलब उसमें हाफ कट लगाना है, इतना कट लगाना है जितना में आप उसका जो अंदर का पार्ट है उसे आप निकाल करके साइड में कर सके। तो ये देखिए इस तरीके से सारे परवल को तैयार कर लेना है। तो ये मैं सारे परवल को छील करके बीच से छीरा लगाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं 2 कप पानी एक बर्तन में बॉईल होने के लिए रख दी थी और पानी में बॉईल आ गया है। अभी इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच मीठा सोडा और जो परवल को काट करके रखी थी उसे डाल दूंगी। और इस मीठे सोडे वाले पानी में परवल को 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है। इसे ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा देर बॉईल करेंगे तो परवल जो है बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा और वो टूट जाएगा। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे भी हार्ड वाला जो पार्ट है परवल का वो हम लोग निकाल दिए हैं। तो ये और मीठा सोडा डालने से, गर्म पानी में अगर आप मीठा सोडा डाल करके परवल को बॉईल करेंगे तो परवल का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है परवल की मिठाई। तो वो देखिए, मैं 2 मिनट हो गए थे और मैं पानी से निकाल ली हूँ परवल को। और इधर एक कढ़ाई में मैं डाली हूँ 25 ग्राम मावा, जिसे खोआ भी बोला जाता है, और इसमें मैं काजू, किशमिश, पिस्ता सबको थोड़ा थोड़ा बारीक चॉप करके ले ली हूँ, काट करके, और 2 हरी इलायची इसे भी डाल देंगे और 2 चम्मच चीनी। इन सबको मिक्स करके मावा को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए मावा हमारी भूनकर तैयार हो गई। अब गैस को ऑफ कर देंगे और मावा को ठंडा होने देंगे। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। मैं एक बर्तन ले ली हूँ, उसमें डाली हूँ 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी, यानी चीनी का 1/2 पानी लेना है। और हमें एक तार की चाशनी बनानी है मिठाई के लिए। तो ये देखिए मैं पानी और चीनी को बॉईल होने के लिए रख दी हूँ और ये हमारा शुगर सिरप जो है बनकर मिठाई के लिए तैयार हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक तार बननी चाहिए पतली सी। तो ये हमारा परफेक्ट चाशनी जो है मिठाई के लिए तैयार है। अब जो परवल को बॉईल करके रखे थे, एक एक करके परवल को इस चाशनी में डाल देंगे और 10 मिनट के लिए परवल को चाशनी में ही ढक करके रख देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। तो सारे परवल को मैं चाशनी में डाल दी
और इसे ढक करके मिला लेंगे एक बार, और ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 10 मिनट बाद चाशनी से परवल को निकाल लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और मैं चाशनी से परवल को निकाल ली हूँ। और अब जो मावा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कर ली हूँ, अलग अलग भागों में बांट ली हूँ, जितने परवल हैं उतने। और इस तरीके से लेंगे और परवल परवल के बीचों बीच इसे इस तरीके से फिल करना है। और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर से ले ली हूँ और इस परवल की मिठाई के ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स भी लगा दूँगी। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी मिठाई दिख रही है। अब थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स इसके बीचों बीच लगा दूँगी इस तरीके से, ये देखिए। तो है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान। सारे परवल की मिठाई को सेम तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारी दिवाली स्पेशल परवल की मिठाई बनकर सर्व करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये परवल की मिठाई की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की ये दिवाली स्पेशल परवल की मिठाई कैसी लगी। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।